नमस्कार दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं तो टाटा के पास एक बेहतर ऑप्शन है जो सिडान में आपको मिल जाता है। काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में सेफ्टी प्लस कंफर्ट का एक अच्छा कॉम्बो है। इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की बात करें हम तो इसमें देखते हैं, जैसे फ्रंट में देखेंगे हम तो इसमें एक ग्रिल देख रहे हैं। ये ग्रिल का कलर आपका चेंज हो चुका है, या ब्लैक कलर में नहीं आती, ब्लू कलर में आएगी। प्लस ओपन स्लॉट्स नहीं है, ये आपको पूरी पैक मिलेगी। इसमें लेफ्ट एंड राइट साइड देख रहे हैं एरो के मार्क्स रहेंगे। देन फ्रंट ग्रिल में आपको टाटा ईवी का बैचिंग मिल जाता है लाइट ब्लू कलर में। जस्ट उसके नीचे में एक काफ़ी अट्रैक्टिव स्ट्रिप लगाई गई है टाटा की तरफ से लाइट ब्लू कलर में, जो दोनों हेडलाइट को कवर करती है। सेकंड, इसके नीचे आप देखेंगे तो एक एरो कटिंग में लोअर ग्रिल मिल जाती है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, गाड़ी अपनी ओर आकर्षित करती है कस्टमर्स को। इसमें वाइट DRL एंड फोगलेम का ऑप्शन मिल जाता है फ्रंट में। और इसका जो बम्पर है नीचे में आप देखेंगे, इसका प्लेट निकली हुई है जो काफ़ी स्पोर्टी लगता है। इसकी हेडलाइट की बात करें हम तो हेडलाइट में आपको ब्लैक डायल मिल जाता है। अंदर में आपको एक स्मोकी फ्रेम मिलता है अंदर से, जो काफ़ी दिखने में अच्छा लगता है। देन इसके साइड प्रोफाइल की बात करें गाड़ी की हम तो आपको लेफ्ट साइड फेंडर में, फेंडर के ऊपर आपको ईवी की बैचिंग मिलेगी लाइट ब्लू कलर में। आप इसके टायर एंड अलॉय व्हील की बात करते हैं तो इस गाड़ी में आपको अलॉय व्हील नहीं मिलता, इसमें 14 इंचेस के टायर मिल जाते हैं, 175/65R14 आप जैसे देख रहे हैं। लेकिन अलॉय व्हील नहीं दी है कंपनी ने, तो अलॉय व्हील की कमी भी नहीं होने दी है। अलॉय व्हील की जगह इसके स्टील जो रिम है उसको हाइपर स्टाइल में अलॉय व्हील टाइप कटिंग करके दी है। वहीं उसमें जो केप लगा है व्हील केप, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस सिल्वर एंड लाइट ब्लू कलर में आपको ये मिल जाता है, जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इसमें ऑटो फोल्डेबल मिरर मिलेंगे ग्लोसी ब्लैक कवर के साथ। इंडिकेटर आपको इस मिरर में मिल जाते हैं। इसके डोर हैंडल की बात करें फ्रंट राइट की तो इसमें रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है आपको, और सिल्वर क्रोम स्ट्रिप्ट मिलती है बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ, चारों डोर हैंडल में। इसकी रियर प्रोफाइल की बात करें हम तो टेल लैंप आपको LED में अब मिल जाते हैं। इसका जो रिवर्स लाइट है आप जो देख रहे हैं, अब यह येलो कलर में नहीं मिलता आपको, ये वाइट LED लाइट में मिलता है। इसके टेल गेट में देखेंगे आप टिगोर की बैचिंग मिल जाती है क्रोम फिनिश में, टाटा का मोनोक्रोम फिनिश में मिल जाता है। देन आपको ईवी की बैचिंग मिलती है लाइट ब्लू कलर में। वहीं आपके टेल गेट में नीचे में आपको जिप्ट्रोन का बैचिंग मिल जाता है। इसके टेल गेट ओपनिंग का स्विच आपको इस क्रोम के नीचे मिल जाता है रिवर्स कैमरे के साथ। ग्लास आपको डिफोगर मिल जाता है, शार्क एंटीना मिल जाता है। रियर स्पॉयलर मिलता है ब्लैक ग्लोसी ब्लैक कलर में, जो गाड़ी को पीछे से काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। नीचे वाले बम्पर में आपको एक लाइट ब्लू कलर की स्ट्रिप लगी हुई मिलेगी, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, गाड़ी कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक काफ़ी अच्छा कॉम्बो लुक दिया है बैक साइड से। जो इसके फ्यूल इंजन आते थे पेट्रोल और डीजल में गाड़ी जो आती थी, सेम बॉडी वेट, सेम लेंथ और विड्थ के साथ वही प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी है। सिर्फ इसमें इंजन की जगह आपको बैटरी फिट मिली है। भाई हम इसके बूट स्पेस की बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है, 316 लीटर का मिल जाता है हमको। और एक अच्छी चीज़ इसमें है कि स्टेपनी आप देखेंगे इसमें साइट में कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से फिट की है, जो आपको डिस्टर्ब नहीं करती। जब स्टेपनी को कंपनी ने यहाँ फिट की है तो इसके जगह में क्या दी है, इसके जगह पे स्टेपनी के रिप्लेसमेंट में जहाँ स्टेपनी टफ रहता है वहाँ पे बैटरी फिट्स हैं आपकी। जैसे हम उठा के देखेंगे जी, बैटरी फिट की है नीचे में। लेकिन आप हेवी सामान रख लेते हैं गाड़ी के बूट में तो बैटरी कफलर्स ये सब डैमेज ना हो, इसके लिए कंपनी ने काफ़ी हेवी मेटल प्लेट लगा के दी है, जो आपका हेवी लगेज को आराम से कैरी कर सकती है। ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए आपको कंपनी चार्जर देती है 3.3 किलोवाट्स का, जो आपको 7 से 8 घंटे में आपकी गाड़ी को फुल चार्ज कर देता है। रियर लेफ्ट साइड में आपका चार्जर कनेक्टर चार्जिंग के लिए ये आपको कैप मिल जाती है। पूरी गाड़ी में सिल्वर क्रोम की स्ट्रिप दी हुई है, डोर स्ट्रिप दी हुई हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। सेम वही लेफ्ट साइड में, लेफ्ट फेंडर में भी आपको ईवी का बैचिंग मिल जाता है। अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, गाड़ी में क्या कुछ खास दिया है इंटीरियर में, फ्यूल इंजन की अपेक्षा, सेफ्टीज की बात करते हैं इसकी।
गाड़ी को जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं तो काफ़ी हेवी डोर्स हैं, यानी आप सेफ्टी टाटा आपको फ्यूल इंजन हो या इलेक्ट्रिक वही बॉडी वेट देगा, वही सेफ्टी देगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि सेफ्टी में या बॉडी को हल्का तो नहीं किया टाटा ने, बिल्कुल भी नहीं किया है, वही डोर वेट के साथ है ये गाड़ी, वही बॉडी वेट है इसका। इसके डोर पैनल्स को देखें तो काफ़ी हेवी मटेरियल यूज़ किया है प्लास्टिक का। जस्ट इसमें आपको डुअल टोन कलर मिल जाता है डोर में, बे चेन ब्लैक कलर का, और इनर हैंडल जो मिलता है क्रोम फिनिश के साथ मिलता है। राइट साइड के डोर में आप देखेंगे आपको मिरर एडजस्टर फिट मिलता है, जो ऑटो मिरर एडजस्टर है। आप इसकी सीट की बात करें तो इसको में आपको हाइट एडजस्टर मिल जाता है, आगे पीछे करने के लिए लीवर मिल जाता है बैक सपोर्ट्स के लिए। भाई अब आ गए हैं हम गाड़ी के अंदर, तो आप डैशबोर्ड देखिए गाड़ी का, काफ़ी अट्रैक्टिव है यार, बहुत ही बेहतरीन काम किया है इस गाड़ी पे टाटा ने। भाई आपको इस गाड़ी में टोटल डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। आप डिस्प्ले में देखेंगे तो ये सामने में आपको बैटरी वोल्टेज लेवल बता रहा है, कितने डंडे हैं इसमें, कितना परसेंट है यहाँ पे शो करता है, और कितने किलोमीटर चलेगी रेंज शो कर रहा है। इस साइड में आप देखेंगे न्यूट्रल, जहाँ एन लिखा है यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग मोड बताएगा, डी मोड में है, आर मोड में, स्पोर्ट्स मोड में है। इस क्लस्टर मीटर को देखेंगे आप तो ब्लू स्ट्रिप ऊपर लगी है, देन इसके अंदर में सिल्वर क्रोम की एक स्ट्रिप लगी है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है इस गाड़ी को। म्यूज़िक प्लेयर की बात करें हम गाड़ी के, तो कंपनी ने इसमें 7 इंच का हरमन का म्यूज़िक प्लेयर दिया, जो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी देता है, एप्पल और एंड्रॉयड ऑटो प्ले के साथ। गाड़ी में पुश स्टार्ट मिल जाता है आपको, जस्ट म्यूज़िक प्लेयर के नीचे वाले कंसोल पैनल में जो ये बटन्स दिए हैं उसके बारे में आपको बता दें। अब आपको बूट खोलने के लिए झुकना नहीं पड़ेगा, बूट ओपनिंग के लिए यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी ने स्विच दिया हुआ है, लॉक अनलॉक की बटन दी है। ये जो बटन है साइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब चार्जर कनेक्ट करते हैं आपकी गाड़ी में तो इससे आपको लॉक करना होता है, और जब आपको केबल निकालना होता है तो इससे अनलॉक करना होता है। फोग लैंप, यहाँ पे फोग लैंप स्विच मिल जाता है, ऑटो एसी मिल जाता है आपको नीचे में, जस्ट जो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है आपके डैशबोर्ड में। जस्ट उसके नीचे देखेंगे आप तो एक आपको यूएसबी सॉकेट मिल जाता है और 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट मिल जाता है। भाई इसके गियर नॉब की बात करें तो इसमें आपको 4 मोड्स मिल जाते हैं, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड। यह रेंज रोवर जगवार टाइप का गियर नॉब दिया हुआ है कंपनी ने इसमें, जो काफ़ी अच्छा लगता है। जस्ट इसके सीट की बात करें तो फैब्रिक यूज़ की है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, बहुत सॉफ्ट है, और इस सीट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें एरो मार्क्स किए हुए हैं लाइट ब्लू कलर्स में। ग्लो बॉक्स देखते हैं इसका, तो काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी अच्छा बड़ा है। आपके गियर कंसोल में देखते हैं आप तो बोतल ट्रैप मिल जाता है, और एक आपको 12 वोल्ट का सॉकेट पीछे भी मिल जाता है, देन यहाँ पे भी आपको एक और बोतल ट्रैप मिल जाता है। स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा स्पेस है गाड़ी में। आप स्टेयरिंग में देखेंगे आपका म्यूजिक प्लेयर ऑपरेशन पैनल दिया हुआ है, आप में वॉइस कम ज़्यादा चैनल अप डाउन प्लस कॉल अटेंड कॉल कटिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं इस गाड़ी में। भाई इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो आपको फुल चार्ज में 315 किलोमीटर की रेंज देता है, और 26 किलोवाट की बैटरी इसमें कंपनी ने लगाई है, जो काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी के हिसाब से। 315 सीडान में आपको 14.5 लाख तक एग्जेट प्लस मिल जाता है, एक शोरूम गाड़ी है, आपको उस रेट में सीडान मिल जा रही है, जो कोई भी कंपनी आपको सीडान 14 से 15 लाख एक शोरूम में नहीं देती, जो टाटा आपको दे रही है, वो भी सेफ्टी कंफर्ट आपका कहना चाहिए काफ़ी अच्छे किलोमीटर रेंज के साथ। भाई इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं 4 डोर में, और 2 सामने में ट्विटर मिल जाते हैं। इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 172 mm का हमको ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी में मिल जाता है। ये तो थी गाड़ी की डिटेल, गाड़ी के स्पेसिफिकेशन, गाड़ी में क्या कुछ दी है कंपनी ने वो बताया। आप गाड़ी परचेस करते हैं उसके बाद जो मेन चीज़ होती है इसकी वारंटी सर्विस, इसमें क्या वारंटी है,
कितनी कंपनी दे रही है, आपकी बैटरी की क्या लाइफ है, क्या वारंटी उसमें कंपनी दे रही है, कितने किलोमीटर तक। कंपनी बोल रही है 8 साल बैटरी की वारंटी है और इसके जो मोटर लगी है उसकी, बट उसमें भी बहुत सी कंडीशंस हैं। किस कंडीशन में वो आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, आप इसकी सर्विस कराते हैं नहीं कराते। भाई इसका जो सर्विस शेड्यूल है वो बहुत टफ है नॉर्मल फ्यूल इंजन की अपेक्षा, इसलिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे सर्विस वारंटी, बैटरी की वारंटी और मोटर की वारंटी कितने ईयर्स की है, उसमें कितने किलोमीटर तक का फाउंडेशन है, आपका नॉर्मल गाड़ी की वारंटी कितनी है, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा ये जानकारी आपको अच्छी लगी हुई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम मोटिवेट होकर आगे भी आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी लाते रहेंगे इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में।